Hi guys, how are you? So today we are going to start a new chapter, and this chapter is going to be very very important for you. और उसका रीजन ये है दोस्तों कि ये वो जो एक्ट अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारे जितने भी रिमेनिंग एक्ट्स हैं, उन सभी एक्ट्स को पढ़ना सिखाता है, समझना सिखाता है और कंक्लूजन निकालना सिखाता है, डिसीजन मेकिंग करना सिखाता है, उन एक्ट्स के प्रोविजंस को अप्लाई करना सिखाता है। तो दोस्तों ये एक्ट बड़ा ही मजेदार रहेगा, और आप इस बात को भी समझ लीजिए कि अगर आपने ये एक्ट अच्छी तरह से सीखा हुआ है तो बाकी सभी एक्ट्स को समझने में आपको बेहद आसानी होगी। ये स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी बातें बताई जाएंगी यहां पर, उन सभी को ध्यान से समझिएगा, आपके न सिर्फ एग्जामिनेशन में बल्कि आपकी प्रैक्टिस में, आपकी जॉब में दिस चैप्टर इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल, राइट। तो दोस्तों हम शुरुआत करेंगे हमेशा अपने एग्जाम्पल की तरह, और ये आपके सामने आ गया बंटी और बबली की शादी का इनविटेशन, और ये इनविटेशन देख रहे हैं आप, ये इनविटेशन सिल्वर प्लेट पर भी छापा गया है, बड़े नजदीकी रिश्तेदारों को देने के लिए। मैप भी बनाया गया, देखिए डेट एड्रेस सब डाला गया है। और ऐसा ही इनविटेशन बंटी के पिताजी ने बोला कि भाई इसे पत्थर पर एनग्रेव करवाओ और हम इसे अपने घर पर सजा कर रखेंगे। तो दोस्तों इसे स्टोन पर भी एनग्रेव करवा के रख लिया गया, आने वाली पुश्ते देखेंगी ये कार्ड, और बाकी सबको बांटने के लिए एक हैंडमेड पेपर का भी इस्तेमाल किया गया कि भाई बाकी सब लोगों को ये कार्ड पहुंचाया जाए, इनविटेशन दिया जाए, और ईमेल भी कर दी गई। ये सारा का सारा कंटेंट जिन लोगों के पास नहीं जा सकते थे उन्हें ईमेल भी किया गया। तो दोस्तों आपने ये देख लिया, अब बताइए फटाफट से इस इनविटेशन को देखकर क्या कंक्लूजन निकलता है। अरे कंक्लूजन सर जी, हां भाई कंक्लूजन की बात कर रहा हूं, क्या समझ में आता है, क्या कंक्लूजन निकला इस इनविटेशन का? अरे सर जी पहले पढ़ने तो दो, समझ में तो आए कि क्या लिखा है? अरे भाई बिना समझे आप कंक्लूजन दे दीजिए मुझे, क्या दे पाएंगे? नहीं सर जी नहीं, आप कंक्लूजन की डिमांड करते हैं, किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए सबसे पहला काम तो यह करना पड़ता है कि उस चीज को समझा जाए, और समझने के लिए सबसे पहले उसे पढ़ा जाए। बोलिए हां या ना। तो कंक्लूजन निकालें उससे पहला काम तो अंडरस्टैंडिंग है, और उससे पहले पढ़ना पड़ेगा, तभी तो बताएंगे कि आखिरकार है क्या। बातें बिल्कुल ठीक की दोस्तों आपने, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि जिन वर्ड्स को हम रीड करेंगे हो सकता है कि वो क्लियर हो सकता है उनमें इतनी क्लैरिटी ना। अगर क्लियर होंगे तो हम उसे एज इट इज, जो भी सिचुएशन है एज इट इज समझ लेंगे, और अगर क्लियर नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के समझेंगे आखिरकार कहना क्या चाहते हैं। आइए जरा देखें इस इनविटेशन को, बंटी और बबली का ये इनविटेशन, देखा यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड फॉर द मैरिज सेलिब्रेशन ऑफ बंटी एंड बबली। डेट कौन सी है? 1 अप्रैल 2020। अच्छा जी कहां पर? एट फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर, बताइए। अभी तक डिसाइडेड ही नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर पे होगा या सेकेंड फ्लोर पे होगा। एड्रेस पढ़ लीजिए, रैगिंग हॉल, टीजिंग स्ट्रीट, मॉकिंग रोड, मिसचीफ सिटी, पिन कोड 420। अच्छा जी टर्म्स एंड कंडीशंस भी आ रही हैं गेस्ट्स के लिए, देख लिया जाए।
number of people. Maximum two people are allowed on one card. Mode of communication. जितने भी होंगे उससे जुड़ी हुई condition देख लीजिए. Mobile phones are strictly prohibited there. Okay. Gifts जो देने हैं वहां पर वो देख लीजिए. Gold, silver, diamond, etc. may only be given as gifts. वाह क्या बात है. Dress code completely white, completely blue or red color dress may be worn. Dance form, dance करेंगे तो भैया उसकी भी condition डाल दी, या तो भांगड़ा करेंगे, गिद्दा करेंगे, लावनी करेंगे, घूमर करेंगे या गरबा. These may be performed. Or Reponde Silvu play, RSVP. ये है whole पंगेबाज family. तो जरा इस invitation को देखिए, इस social invitation को देख लीजिए दोस्तों. बंटी और बबली के इस invitation को भी समझने में दिमाग लगाना पड़ रहा है. कंक्लूजन पे तो बाद में जाएंगे, पहले समझे तो सही क्या है. और समझने के लिए पहले पढ़ना जरूरी है दोस्तों. अगर मैं कहूं कि इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि और की बात करते हैं, या तो फर्स्ट फ्लोर पे या फिर सेकंड फ्लोर पे, यानी यहां पर अगर इस लैंग्वेज को पढ़ा जाए, समझने की कोशिश की जाए, इसका मतलब अभी तक ये श्योर नहीं है किस फ्लोर पे ये शादी होगी. लैंग्वेज को समझने की जरूरत है दोस्तों. टर्म्स एंड कंडीशंस, मैक्सिमम टू पीपल आर अलाउड ऑन वन कार्ड. एक शादी के कार्ड पर मैक्सिमम दो लोग. इसका मतलब ये क्लियर कर रहा है या तो एक या दो, राइट, बट नॉट मोर देन टू. देखिए एक शादी के कार्ड को पढ़ने में भी कितनी मशक्कत करनी पड़ती है अगर ऐसा कोई कार्ड आ जाए. मोड ऑफ कम्युनिकेशन, आप पर एक प्रोहिबिशन लगाया जा रहा है कि यानी मोबाइल फोन तो दोस्तों ले जा ही नहीं सकते. अच्छा जी, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. पर्पस क्या है कि कोई कम्युनिकेट ना कर पाए. किसी ने क्या किया, शादी पर पहुंचा, कहता जी मैं तो वॉकी टॉकी लेकर आया हूं. आपने लिखा था मोबाइल प्रोहिबिटेड है, वॉकी टॉकी तो प्रोहिबिटेड नहीं है ना. मैं वॉकी टॉकी ले आया, इस पर बात करूंगा. तो दोस्तों इस डॉक्यूमेंट की, ये डॉक्यूमेंट ही तो पढ़ रहे हैं, एक इन्विटेशन आपके पास आ गया, ये डॉक्यूमेंट ही तो है. रजिस्टर में जो आप नोट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट है, किसी को लेटर लिखा ये डॉक्यूमेंट है, कहीं एप्लीकेशन दे दी ये भी डॉक्यूमेंट है. तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है. और ये डॉक्यूमेंट क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया कम्युनिकेशन आप नहीं करेंगे. और इस डॉक्यूमेंट में इस प्रोहिबिशन को तो बता ही दिया गया, लेकिन लिखा गया मोबाइल फोन केवल. सॉरी, केवल मोबाइल फोन ही प्रोहिबिटेड नहीं है. इस मोबाइल फोन के साथ उनका जो पर्पस है वो क्या था. पर्पस ये था कि कम्युनिकेशन को ही रोका जाए. और वॉकी टॉकी भी तो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है. बोलिए हाँ या ना. तो भले लिखा मोबाइल फोन है, बट अल्टीमेटली वो क्या चाहते हैं कि इसकी पूरी की पूरी कैटेगरी, कम्युनिकेशन की कैटेगरी यहां पर प्रोहिबिटेड है. आइए आगे देखें. किसी ने कहा जी गोल्ड, सिल्वर, केवल डायमंड यही देंगे. उसने कहा नहीं, ये जो एटसेट्रा लिखा है ना, जरा इसको भी समझो. गोल्ड सिल्वर है तो भैया उसके जैसी चीज, वैल्यूएबल चीज की बात हो रही है. बोलिए हाँ या ना. इसका मतलब अगर एटसेट्रा लिख दिया तो प्लैटिनम भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. अगर डायमंड लिख दिया गया भैया तो इसका मतलब डायमंड के साथ साथ हो सकता है पर्ल्स को भी एक्सेप्ट कर लिया जाए. और इसके अलावा जो वैल्यूएबल जेम्स हैं उनको भी एक्सेप्ट कर लिया जाए. यानी इस एटसेट्रा के लग जाने से
हमने क्या देखा कि जो टाइप था वो हमने गोल्ड और सिल्वर से पहचाना, और डायमंड था उससे टाइप को पहचाना, क्योंकि इंटेंशन क्या है कि भैया गिफ्ट लेंगे और वैल्यूएबल गिफ्ट लेंगे, और ये जो वैल्यूएबल है उसी की एक तरह से फैमिली हमने फाइंड आउट करनी है। गोल्ड है सिल्वर है तो भैया प्लैटिनम भी वैल्यूएबल आइटम है, उसी की फैमिली से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा मेटल विच इज अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेशियस मेटल, प्रेशियस मेटल की कैटेगरी हमने कहां से पहचानी, इन लिखे हुए वर्ड से पहचानी। डायमंड्स लिखा है तो हमने फिर वैल्यूएबल पर्ल्स जेम्स इनको भी पहचान लिया। फिर लिखा जी ड्रेस कोड, अब यहां पर रिस्ट्रिक्शन देखिए, या तो कंप्लीटली व्हाइट ब्लू और रेड। अब जब कंप्लीटली व्हाइट लिखा है तो इसका मतलब कंप्लीटली व्हाइट नहीं, कंप्लीटली ब्लू और कंप्लीटली रेड कलर ड्रेसेस में भी, और यहां पर और लिखा गया है एंड नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप या तो कंप्लीटली व्हाइट पहनेंगे या कंप्लीटली ब्लू पहनेंगे या कंप्लीटली रेड पहनेंगे। ऐसा नहीं है कि तीनों का मिक्सर पहनकर आ गए, यानी इस लैंग्वेज से पता लगता है कि इनमें से कोई एक ड्रेसेस पहन लीजिए, कोई भी पहन लीजिए। अब आप कहोगे जी ऐसी शादी में तो हम जाएंगे ही नहीं, ठीक है भाई मत जाना, लेकिन इस मजेदार इनविटेशन को तो समझ लो। यानी आप वर्ड्स का खेल खेल रहे हैं दोस्तों, बंटी और बबली की पंगेबाज फैमिली पंगे ले रही है कोई बात नहीं, लेकिन समझिए जरा कि एक एक सेंटेंस में अलग अलग तरह के मीनिंग नजर आ रहे हैं। आइए डांस फॉर्म की बात करें, कहते जी भांगड़ा गिद्दा लावनी घूमर और गरबा साथ में, और मैंने जो बोला वो हिंदी का और बोला, एंड द वर्ड एंड शोज कि ये सब परफॉर्म किए जा सकते हैं, इसका मतलब इनके अलावा कुछ भी परफॉर्म नहीं हो सकता। अब नाचते नाचते किसी ने भांगड़ा के साथ घूमर शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब जो है एक्सेप्टेड है, एंड लिखा है। किसी ने लावनी करते करते गरबा शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर अल्टीमेटली गिद्दे पर आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्ड एंड शो करता है कि ये सब एक साथ भी चल सकते हैं। लेकिन जो वर्ड और था वो शो करता है कि इन तीनों में से कोई एक चलेगा। लैंग्वेज है दोस्तों, और लैंग्वेज पर ही कमांड जिसकी होगी वही अल्टीमेटली एक्ट्स भी पढ़ जाएगा। अरे सर जी इस इनविटेशन के जरिए आप हमें एक्ट्स पढ़ाने चले हो, तो दोस्तों इन वर्ड्स को पढ़ना, उन्हें समझना और फिर कंक्लूजन निकालना ही तो एक खेल है। आप देखेंगे जो वर्ड्स हमने इस सोशल इनविटेशन में पढ़े हैं, सोशल इनविटेशन ही तो है, और यही वर्ड्स हम पढ़ेंगे एक्ट्स में भी, और आपने कई एक्ट्स पढ़ भी लिए हैं। कंपनी लॉ आपने पढ़ा दोस्तों, कंपनी लॉ में ऐसे कई चीजें आई जहां पर एंड का खेल था और का खेल था एटसेट्रा का खेल था, राइट। तो होल पंगेबाज फैमिली की तरफ से आपको ये इनविटेशन मिला, जरा सोचिए इसने आपको क्या क्या सिखा दिया। प्रोहिबिशन सिखाया, लेकिन उसके साथ साथ ये बताया कि कम्युनिकेशन को रोका है, तो भैया जिस मोबाइल फोन को रोकने की बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ मोबाइल फोन ही नहीं, जो इंटेंशन है इस कार्ड को देने वाले की वो ये है कि हम इस पूरे के पूरे मोड ऑफ कम्युनिकेशन को ही रोक देंगे। कोई 20 साल पुराना पेजर निकाल के ले आया, शायद आपने पेजर का नाम भी ना सुना हो, पुराने टाइम में पेजर का इस्तेमाल होता था SMS भेजने के लिए, और आज तो SMS सब कुछ आपके मोबाइल फोन पर आ गया है। इतना जमाना बदल गया कि आज आप TV देख रहे हैं अपने ही मोबाइल पर, ठीक बात है कि नहीं, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ गई है। तो मेरे भाई सोचो जरा, वो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बना था, थोड़े बहुत जो भी चेंजेस होते रहे, उस समय अगर उसमें एक ऑफर की डेफिनेशन लिखी थी या कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन लिखी थी, उसकी सारी की सारी कहानी जब बताई गई, तो मेरे भाई उस समय क्या यह सोचा गया होगा
कि एक समय ऐसा भी आएगा कि व्हाट्सएप के जरिए इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वहां तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में लेटर का एग्जाम्पल दिया कि उसने लेटर में लिखा और भेजा, भेज दिया मगर पहुंचा नहीं, पहुंच गया मगर बढ़ा नहीं, उन सब के उसमें केसेस लिखे गए। और आज की डेट में देखा जाए तो इस तरह का रिटर्न कम्युनिकेशन जहां पर पत्र व्यवहार हो रहा है, लेटर के थ्रू आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, वो तो आज की डेट में दिखता ही नहीं है। स्पीड इतनी बढ़ गई है कि आज की डेट में लोग व्हाट्सएप पर ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जी हां, सेल परचेज व्हाट्सएप पर चल रही है, ईमेल्स तो बहुत पुरानी बात हो गई। आप मोबाइल फोन पर ही खरीद फरोख्त कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, अमेजॉन पर गए, फ्लिपकार्ट पर गए, ऑर्डर किया, पैसे गए, आपके घर पे चीज आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट है। जरा सोचिए, उस समय जब ये लॉ लिखा गया था उस समय क्या इंटेंशन रही होगी, और आज के हिसाब से हम क्या करते हैं, आज की दुनिया में भी हम क्या करते हैं, उसी एक्ट की इंटेंशन को सोचते हुए उसे अप्लाई करते हैं आज के मोड ऑफ कम्युनिकेशन में। तो दोस्तों क्या किया जाता है, जहां पर पुराने एक्ट्स में ये सब बातें ना लिखी गई हो, हम उसकी इंटेंशन सोचते हैं और उस इंटेंशन को यहां पर अप्लाई करते हैं, भले वो चीजें उस समय, उस वक्त जब ये एक्ट बना था, उस सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी। तो हर एक्ट में ऐसा होगा कि जैसे मोबाइल फोन का एग्जाम्पल दिया, तो ये ऑटोमेटिकली कवर करेगा वॉकी टॉकी को, क्योंकि इंटेंशन क्या थी, कम्युनिकेशन को रोकना। गिफ्ट्स की जब बात की और वर्ड आ गया एटसेट्रा, तो उस फैमिली को हम बीच में ले आए जो यहां पर वैल्यूएबल मेटल्स की, प्रेशियस जेम्स की या प्रेशियस डायमंड्स की फैमिली को उठा लाए, तो भैया अगर ये है तो उसके साथ ये भी ऐड होगा, और भी चीजें जो इससे मिलती जुलती हैं वो भी ऐड हो जाएंगी। ये एटसेट्रा इतनी जबरदस्त चीज है, बट उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, पीछे लिखे गए इन शब्दों के बेसिस पर। ऐसा ही हम लॉ में भी करेंगे। फिर इस और का खेल, तो दोस्तों जब ये लिखा जाता है कंप्लीटली व्हाइट, ब्लू और रेड, यानी ये पॉइंट नंबर वन है, ये पॉइंट नंबर टू, ये पॉइंट नंबर थ्री, इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक, यहां पर ये बात हो रही है। तो और का मीनिंग क्या है, कंप्लीटली व्हाइट या फिर कंप्लीटली ब्लू या फिर कंप्लीटली रेड, इसका मीनिंग ये है दोस्तों। उसी तरह जब एंड आ गया तो इसका मतलब ये सब कुछ एक साथ हो सकता है, ये सब कुछ जितनी भी चीजें दी गई हैं को एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी एक व्यक्ति ये पांचों टाइप के डांस कर सकता है एक समय में चेंज कर करके, लेकिन इन पांचों के अलावा बाकी सबको एक्सक्लूड कर दिया गया, क्लियरली एक्सक्लूड कर दिया गया। और देखा जाए तो एटसेट्रा वर्ड जब यूज किया गया था उसमें बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर लिया गया जो इस फैमिली से बिलोंग करती हैं। किस फैमिली से, जो ये नाम एटसेट्रा से पहले दिए गए हैं। तो दोस्तों यही चीजें हमने एक्ट में भी पढ़नी है मेरे दोस्त। और मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो ये सब किया, ये सब डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा, तो ये डॉक्यूमेंट चाहे आपने सिल्वर प्लेट पर लिखा था, चाहे आपने इसे स्टोन पर एनग्रेव करवा दिया, चाहे आपने इसे पेपर पर लिखा, चाहे आपने इलेक्ट्रॉनिक मेल में डाल दिया, या फिर आपने इसे किसी मैप की शक्ल दे दी, इस पूरे के पूरे कार्ड में, जो भी आपके सामने ये कार्ड है, इस कार्ड में ये मैप भी एक डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। फिगर्स दी गई हैं, देखिए 1 अप्रैल 2020 फिगर्स हैं ये। ये वर्ड्स दिए गए हैं दोस्तों, ये सारे वर्ड्स हैं। तो वर्ड्स हो, फिगर्स हो, मैप हो, किसी भी तरह का कैरिकेचर हो, कैरिकेचर जानते क्या होता है मैंने अगर किसी का कार्टून बना के कुछ पेश करने की कोशिश की और अपना कुछ उसके जरिए कुछ मैसेज देने की कोशिश की, तो वो कैरिकेचर है। उसी तरह पत्थर पर लिखे जाना, कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं जिस पर लिखा जाता है, उसे लिथोग्राफी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिथोग्राफी। ये सब डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो जितनी भी चीजें हमने पढ़ी ये डॉक्यूमेंट है।
लेकिन सवाल यह आता है क्या यह लीगली एनफोर्सिएबल है। हमने दोस्तों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पहले ही पढ़ लिया था कि भैया सोशल एग्रीमेंट्स जो है वो लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होते, लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होते। यानी ये जो सोशल इनविटेशन यानी ये जो कार्ड आप देख रहे हैं इसमें लैंग्वेज भले ही कुछ लॉ जैसी लिख दी गई लेकिन क्योंकि ये सोशल नेचर का था इसीलिए लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं किसी डॉक्यूमेंट की बात करता हूं तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट हो भी सकता है और ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं भी हो सकता। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर। जो आप अपने रजिस्टर में ये सब कॉपी कर रहे हैं दोस्तों ये कुछ भी लीगल नहीं है। किसी ने कुछ लेटर लिखा, एक व्यक्ति अपने माता पिता से दूर रहता है और माता पिता को वो लेटर लिखता है, पढ़ रहा हूं जी मैं, अच्छा पढ़ रहा हूं, आपकी बहुत याद आती है, सब बातें लिखी और माता पिता को वो लेटर पोस्ट कर दिया। डॉक्यूमेंट तो है मगर लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। आइए देखें कि डॉक्यूमेंट क्या चीज है, क्या क्या उसमें किया गया, आइए देखें और फिर हम बात करें इसमें लीगैलिटी कैसे आएगी। तो भाई इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन नंबर 3 कहता है डॉक्यूमेंट क्या है, एनी मैटर एक्सप्रेस किया गया, डिस्क्राइब किया गया अपॉन एनी सब्सटेंस, अपॉन एनी सब्सटेंस यानी जैसे कि सिल्वर प्लेट स्टोन पेपर ईमेल ये सब क्या है, ये सब्सटेंस है कोई, चाहे लेटर्स चाहे फिगर्स या कोई मार्क्स राइट, और बाय वन सॉरी और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मींस, यानी आपने एक ही बार लेटर फिगर्स और मार्क्स सब यूज कर डाले, और इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। तो रिकॉर्ड करने के लिए तो आपने पेपर का स्टोन का ईमेल का सबका इस्तेमाल किया। तो दोस्तों यही है डेफिनेशन डॉक्यूमेंट की, और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 में भी दी गई, सिर्फ एक चीज ऐड कर दी गई, बाकी सारी डेफिनेशन सेम। ऐड किया गया ये वर्ड रिटन कि भैया लिखा गया है, भाई देखा जाए तो एक्सप्रेस करने में एक्सप्रेशन जो है जरूरी नहीं कि राइटिंग में ही हो, एक्सप्रेशन में सब कुछ आ जाता है। जैसे मैंने कैरिकेचर बताया आपको, किसी व्यक्ति ने एक कार्टून के जरिए एक फोटो बना डाली और उस फोटो के जरिए बता दिया कि वो कर क्या रहा है कार्टून के जरिए, ठीक है जी, कार्टून के जरिए उसने फोटो बना डाली और उसने अपनी सारी कहानी उस एक कैरिकेचर के जरिए कह दी। तो एक राइटिंग अगर मैं हूं ये भी डॉक्यूमेंट है, प्रिंटेड वर्ड्स हो या लिथोग्राफी जैसे कि मैंने आपको बताया, इवन फोटोग्राफी भी एक डॉक्यूमेंट है, फोटोग्राफी भी डॉक्यूमेंट है। कोई मैप जैसे कि आपने शादी का वो मैप देखा, साफ मैप दिया गया कि भाई आप किस तरीके से कौन से रोड पर आएंगे और हमारे इस एरिया पे पहुंच जाएंगे, मॉकिंग रोड है वहां से लेफ्ट लीजिए टीजिंग स्ट्रीट आएगी, वहां से आपके लेफ्ट पर रैगिंग हॉल नजर आएगा वहीं पर ये शादी है। हां जी तो भैया एक मैप है, प्लान है, प्लान किस तरह का, मान लीजिए एक सिटी पूरी की पूरी नई बनाई जा रही है, स्मार्ट सिटीज देखिए उनके पूरे जबरदस्त प्लान्स हैं कि किस तरह से कौन सी गली निकलेगी, सारे प्लान पहले से तय है दोस्तों, ये सब डॉक्यूमेंट है। कोई भी इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन, ये तो एग्जांपल मैंने दे दिया, या कैरिकेचर ये भी एग्जांपल दे दिया, ये सब डॉक्यूमेंट्स है मेरे भाई। लेकिन मैंने क्या कहा, ये जरूरी नहीं कि ये डॉक्यूमेंट लीगल हो, ये लीगल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर इस डॉक्यूमेंट में लीगैलिटी ऐड कर दी जाए। आइए जरा एक और डॉक्यूमेंट की बात करें,
हमने अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात की, मैं एक और एक्ट आपको याद दिलाता हूं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में आपने किस किस चीज के बारे में पढ़ा? बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ा, आपने चेक के बारे में पढ़ा, आपने प्रॉमिसरी नोट के बारे में पढ़ा। दोस्तों ये सब राइटिंग में होता है या नहीं? चेक भी एक डॉक्यूमेंट है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसमें स्टैंप लग जाती है। बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रॉमिसरी नोट में, चेक में स्टैंप की जरूरत नहीं होती, और इसमें लीगैलिटी आ जाती है। इसके लिए स्पेशल एक्ट बना दिया गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। उसके रूल्स बना दिया गया, लॉ बना दिया गया दोस्तों, उसे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ये सब जानना भी जरूरी है, राइट? तो वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो क्या बन जाता है? इंस्ट्रूमेंट। अभी नाम ही क्या बताया मैंने, कौन सा एक्ट? द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, नाम में ही इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं, एग्जांपल ले रहे हैं हम, ऐसे इसके अलावा कई और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बट एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपने ये एक्ट पढ़ा हुआ है दोस्तों। नाम में ही इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जब प्रॉमिसरी नोट की बात आती है तो क्या होता है? अमाउंट आता है, वो प्लेस आता है, वो डेट आती है जिस दिन ये प्रॉमिसरी नोट लिखा गया, और देखिए उसकी लैंग्वेज, ऑन डिमांड यानी डिमांड करते ही, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर राम हु इज अ सन ऑफ मिस्टर श्याम, ऑफ पंजाब रहने वाले कहां के हैं, और ऑर्डर या तो मिस्टर राम को दूंगा ये पैसा, या फिर उनके द्वारा अगर कोई ऑर्डर आएगा कि जी इसको नहीं इसको देना है तो मैं उसको पे कर दूंगा, अ सम ऑफ ₹50,000, ये भी लिख दिया गया लैंग्वेज में, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, जो भी इन्होंने पैसा लिया होगा। तो मोहन जी ने स्टैंप लगा दी, साइन कर दिया कि जी आपसे मैंने वैल्यू रिसीव की थी, कुछ कुछ सामान खरीदा होगा, कुछ भी चीज ली होगी, उसके अमाउंट यानी ₹50,000 जो मैंने दे रहे थे वो मैं आपको दूंगा, या मैं आपके बताए गए ऑर्डर पर जिसे कहोगे उसे दे दूंगा, इसे देने का मैं प्रॉमिस करता हूं। और ये राम जी के लिए प्रॉमिस किया, एड्रेस लिख दिया गया, आपका स्पेसिमेन देखा प्रॉमिसरी नोट का। दोस्तों एक डॉक्यूमेंट है ये, लीगली एनफोर्सिएबल है, स्टैंप एक्ट अप्लाई हो गया, आखिरकार इसे मैंने एक लीगल डॉक्यूमेंट क्यों कहा और मैंने इसे इंस्ट्रूमेंट क्यों कहा? दोस्तों कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी व्यक्ति के राइट्स को क्रिएट करता है और किसी दूसरे व्यक्ति की लायबिलिटी को क्रिएट करता है, क्रिएट भी कर सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है, ये सब क्या है? इंस्ट्रूमेंट के जरिए। आइए देखेंगे और पढ़ेंगे। तो भैया अगर ध्यान से देखा जाए तो राम ने पैसा लेना है मिस्टर राम का, तो भैया राइट क्रिएट हो गया, बोलिए हाँ या ना? इस इंस्ट्रूमेंट ने, इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने क्या क्रिएट कर दिया? राइट क्रिएट कर दिया। और मिस्टर मोहन जिसने वादा किया कि मैं आपका यह पैसा दूंगा मेरे भाई, उसकी देनदारी बढ़ गई, उसके लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई। तो किसी ना किसी व्यक्ति के राइट क्रिएट होंगे, किसी ना किसी व्यक्ति की लायबिलिटी क्रिएट होगी। अब जैसा कि हमने ध्यान से पढ़ा, या तो ये मिस्टर राम को पे करेगा, या फिर इसने कहा जी आपके बताए गए पर्सन को, जिसको आप मुझे ऑर्डर दोगे मैं उसको पे कर दूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि मिस्टर राम अगर चाहे तो अपना यह राइट, पैसा लेने का राइट, किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसे कहा जाता है असाइनमेंट। क्या कहा जाता है? असाइनमेंट। तो अपना राइट जब असाइन कर दिया जाए किसी और व्यक्ति को, तो यहां पर एक तरह से ट्रांसफर हुआ, यानी इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए राइट का क्रिएशन भी होता है, लायबिलिटी का भी क्रिएशन होता है, ट्रांसफर भी की जाती है, राइट। इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट्स एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 कहता है, हर वो डॉक्यूमेंट, देखिए इंस्ट्रूमेंट भी एक डॉक्यूमेंट ही है, हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्या कहा मैंने? हर डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है, हर इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट होता है।
So instrument includes every document by which any right or liability is or purports to be, या तो create कर दी गई या create करने के purpose से उस instrument को create किया गया या उस right और liability को create करने के लिए इसे बनाया गया। तो भैया या तो create करोगे आप या उसे transfer कर दोगे या उसको limit कर दोगे कि उस व्यक्ति की liability इतने रुपए तक ही है। जैसे आपने चेक में देखा होगा कि उसमें लिखा होता है इसकी मैक्सिमम लायबिलिटी इतने रुपए तक की है। आप कभी चेक पर देखेगा उसमें एक लिमिट भी डाली जा सकती है कि इसकी लिमिट इतने रुपए तक ही है। या उस लायबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, एक तरफ एक्सटेंशन हुई तो दूसरी तरफ यहां लिमिट किया गया, या लायबिलिटी खत्म कर दी गई, एक्सटिंग्विश कर दी गई और रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, जैसे ही आपने बनाया सब रिकॉर्ड हो गया। तो मेरे भाई इंस्ट्रूमेंट का काम आपने देखा कि राइट लायबिलिटी क्रिएट हुए, ट्रांसफर हुए, लिमिट हुए, एक्सटेंड हुए, एक्सटिंग्विश हुए, रिकॉर्ड हुए। और ये डॉक्यूमेंट है, क्या कहा मैंने, हर इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट है, मगर हर डॉक्यूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ऐसे लिख दीजिएगा, एवरी डॉक्यूमेंट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट बट एवरी इंस्ट्रूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट। अब हमने बातचीत कर ली अभी तक किसकी, डॉक्यूमेंट के बारे में जाना। हमने यह भी जाना कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डीड का नाम सुना है दोस्तों, यह भी एक डॉक्यूमेंट ही है, लेकिन ये लीगल डीड्स हो गई दोस्तों, यानी यहां पर लॉ बीच में आ गया। जो अभी आपने सबसे पहला इन्विटेशन देखा वो एक सोशल इन्विटेशन था, वो डॉक्यूमेंट था मगर वो लीगली एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट नहीं था, हालांकि उसकी लैंग्वेज बड़ी लॉ वाली बनाई गई थी। फिर आई ऐसे डॉक्यूमेंट की बात जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है, अब ऐसे डॉक्यूमेंट की बात आ रही है जो कि डीड बन जाता है और उसमें लीगैलिटी आ जाती है। यहां लीगैलिटी आ गई दोस्तों, कहीं आपने रेंट पर कोई जगह ली लॉन्ग टर्म के लिए तो बन जाती है लीज डीड। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी किसी को, पूरी की पूरी ना सही, उसका कोई पार्ट सही, कुछ भी उसने गिफ्ट किया, अगर आप उसे राइटिंग में लेकर आना चाहते हैं तो एक डीड बनानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा विच विल बी लीगली एनफोर्सिएबल। तो उसके लिए गिफ्ट डीड बनाई जाती है और उसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी होंगी। एक सोशल इनविटेशन को पढ़ने के लिए भी, समझने के लिए, उसका कंक्लूजन निकालने के लिए कितने ध्यान से पढ़ा था आपने दोस्तों, जरा सोच लीजिए। एक एक वर्ड, कभी और देखा, कभी एंड देखा, कहीं प्रोहिबिशन देखा, कहीं एटसेट्रा देखा, बोली हाँ या ना, उसमें भी इतनी सारी बातें आ गई थी। और कितने ध्यान से आपने इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ा और लिख के ऑर्डर आ गया, ऑर्डर को भी समझना पड़ा कि आखिरकार इंटेंशन क्या है भाई, बोली हाँ या ना। तो जब डीड्स बनाई होंगी इसको भी पढ़ते समय समझना पड़ेगा, कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। मैं वापस आ रहा हूं, थोड़ा सा मैं वापस आ रहा हूं फिर बेसिक की तरफ। जब मैंने आपसे कह दिया था जी आपने देख लिया ना इनविटेशन, बताओ क्या कंक्लूजन निकला, आप कहोगे अरे सर जी कंक्लूजन तो दूर की बात है, पहले समझा ही नहीं। और किसी भी चीज को समझने से पहले पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि एंट्री गेट तो ये रीडिंग ही है। कोई भी चीज न्यूज़पेपर में आई वो सही है या गलत, ये तो बात की बात है, कंक्लूजन निकालना कि वो सही है या गलत है वो कंक्लूजन तो बात की बात है, पहले मैं समझ तो लूं कि आखिर लिखा क्या है, और समझने के लिए मुझे पहले उसे पढ़ना पड़ेगा। तो भैया रीड अंडरस्टैंड देन फाइंड कंक्लूजन्स, इज दैट सो और नॉट, आर यू सी? तो रीड अंडरस्टैंड कंक्लूजन स्टेप्स है ये, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डीड की बात करेंगे तो उसको भी पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उसकी वर्ड्स में जो लिखा है उसमें अगर सीधी सीधी बात है एज इट इज समझ में आ रही है, भैया ग्रामर है समझ में आ रही है हमें तो, लेकिन कई बार ग्रामर से दूर जाकर के उसकी इंटेंशन भी समझनी पड़ती है, बोलिए हाँ या ना, बताइए कैसे।
मोबाइल फोन्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये लिखा था उस सोशल इनविटेशन में। तो भैया लैंग्वेज तो कह रही थी खाली मोबाइल फोन जो है प्रोहिबिटेड है, लेकिन हम उस लैंग्वेज पर नहीं गए, हमने उस लैंग्वेज के बियॉन्ड जाके देखा कि आखिरकार लिखने वाले की सोच क्या रही होगी। उसने जब हेडिंग डाली तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन डाला, और मोड ऑफ कम्युनिकेशन को वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहता था। और एक बंदा लेके पहुंच गया अपना वॉकी टॉकी कि जी मैं तो मोबाइल फोन थोड़ी लेके आया हूं, ये तो वॉकी टॉकी है। अरे भाई मोबाइल फोन तो लिखा है, खाली लैंग्वेज पर मत जाओ, जरा उस वर्ड के नीचे जाके देखो कि उसकी इंटेंशन क्या है, उस वर्ड के बियॉन्ड जाके देखो कि आखिरकार लिखने वाले ने क्या सोच के उसे लिखा होगा। हो सकता है उसकी लिखने में कोई कमी रह गई हो, उसे और भी बातें लिख देनी चाहिए थी, जैसे कि उसने एटसेट्रा वाले में डाली थी, जी आप गोल्ड दे दो, सिल्वर दे दो, डायमंड एटसेट्रा। हो सकता है वो इसे भी ऐसे कई एग्जाम्पल डाल के लिख सकता था, मगर उससे गलती हो गई, कोई बात नहीं भाई माफ कर दो उसे, लेकिन उसकी इंटेंशन तो देखो क्या रही थी। उसी तरह दोस्तों ये सब बातें हमें हर एक डॉक्यूमेंट में सोचनी पड़ेगी, चाहे वो लीगल है या नहीं है। अब ये डीड तो लीगल है, इसमें भी कई बातें हमें सोचनी पड़ेंगी, ध्यान से पहले पढ़ना पड़ेगा, रीड, समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, देन गो टू कंक्लूजन, राइट। अब गिफ्ट डीड की अगर मैं बात करूं तो भैया गिफ्ट डीड जो है, एक व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी दे दी, कुछ भी प्रॉपर्टी, एक मिस्टर ए ने बी को अपना मोबाइल फोन गिफ्ट कर दिया, मान लीजिए। चार दिन बाद बी से बोला, अरे भाई मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था, लाओ लाओ वापस दो। क्या ये पॉसिबल है? आप कहोगे हां जी हां पॉसिबल है, मेरा गिफ्ट था, मेरी मर्जी, मैं छीन के ले आया। तो दोस्तों गिफ्ट डीड जब बनाई जाएगी उसमें सारी की सारी बातों को ध्यान में रख लिया जाएगा, और ए लिख कर देगा भाई इसमें मेरा जो राइट है, न सिर्फ मेरा बल्कि मेरे लीगल हेयर्स का, मेरे मरने के बाद भी कोई आपसे फोन छीन नहीं पाएगा, बी का 100% राइट हो गया। ऐसी ऐसी बातें लिखनी पड़ेंगी, और बी कहेगा अच्छा आपने ये तो लिख दिया, लेकिन अगर बाद में आप मुकर गए, आपने कहा जी ये मेरी फ्री विल से नहीं हुआ था, मुझ पर कोअर्शन एक्सरसाइज किया गया था, मुझे बंदूक के धमकी दे करके या चाकू की नोक पर रख के ये साइन करवा लिए गए, बताइए फिर क्या होगा। तो दोस्तों पूरी की पूरी इंटेंशन जानने के लिए सारी की सारी बातें देखी जाती हैं। अब गिफ्ट डीड मैं सब पढ़ने वाला नहीं हूं आपके लिए कि सारी की सारी चीजें क्या होंगी, बस एक एग्जाम्पल के तौर पर क्या किया गया कि जैसे मिस श्रीमती राधा अरोड़ा है, उनकी एज बताई गई है, उनका एड्रेस बताया गया है, वो कह रहे भी मेरे आने वाले सक्सेसर हेयर्स सब पर ये विल, ये गिफ्ट डीड लागू होगी। मैं अपनी प्रॉपर्टी डोनी को, ये जो एक तरह से गिफ्ट दी जाती है तो डोनर है, जिसको दिया जा रहा है वो डोनी है, तो डोनी को ये दी जा रही है। क्या दिया जा रहा है? सेकेंड फ्लोर, फ्लैट नंबर 13, 200 स्क्वायर मीटर का फ्लैट है, बिल्डिंग का नाम ये है। अच्छी तरह से डिटेल दे दी गई कि भैया ये क्यों दी जा रही है, कैसे दी जा रही है, डिटेल डाल दी गई। और जो ये डोनी है श्री नमित गुप्ता, ये ब्रदर है, उनका रिलेशन भी बता दिया गया, डोनर का ब्रदर है ये, सब बातें बता दी गई। अब जरा देखो ये जो रेड में वर्ड्स लिखे गए हैं इसकी कितनी वैल्यू है। लिखा है द डोनर ट्रांसफर्स बाय वे ऑफ गिफ्ट हर राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट, राइट भी टाइटल भी इंटरेस्ट भी, इन द सैड फ्लैट, जो भी नाम दिया गया, एज डिस्क्राइब्ड इन शेड्यूल। शेड्यूल कहां है? उसकी पूरी कंप्लीट डिटेल्स, उस प्रॉपर्टी की कंप्लीट डिटेल लिखी होगी शेड्यूल में। एब्सोल्यूटली फॉरएवर, यानी हमेशा के लिए दे दिया, वापस नहीं मांगा जाएगा। और भी कुछ बातें, आइए रेड वाले वर्ड पढ़ लें। द गिफ्ट इज मेड बाय द डोनर ऑन हर ओन फ्री विल विदाउट एनी अनड्यू इंफ्लुएंस और कोअर्शन। और गिफ्ट दे देना काफी नहीं होता, जब तक सामने वाला व्यक्ति उसे एक्सेप्ट ना कर ले तब तक गिफ्ट पूरा ही नहीं होता। जी हां यह भी लिखा है, द डोनी एक्सेप्ट्स द गिफ्ट एंड अग्रीज टू होल्ड दैट राइट टाइटल एंड इंटरेस्ट ऑफ द डोनर इन द सैड फ्लैट ऑफ द सोसाइटी। माई डियर फ्रेंड्स, और ये शेड्यूल जिसकी मैं बात कर रहा था उसकी डिटेल डाली जाती है कि ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ये उसका एड्रेस है, मेजरमेंट उसकी ये है, और ईस्ट से
इतने डिग्री वेस्ट से, इतने डिग्री साउथ से, इतने डिग्री, उसकी सिचुएशन ऐसी है। सिग्नेचर किए जाते हैं दोस्तों, आप जरा सोचिए, इस डीड को भी समझना है मुझे, इसका कंक्लूजन निकालना है कि आखिरकार इसका मतलब क्या हुआ। कंक्लूजन ये निकलता है कि एक बहन अपने भाई को अपनी प्रॉपर्टी पूरी तरह से गिफ्ट कर रही है, ये उसका कंक्लूजन है। और वो कह रही है कि मैं आने वाले समय में कभी भी आपसे नहीं लूंगी, ये आप ही की प्रॉपर्टी हो गई, और मैं ही नहीं, मेरे आने वाले लीगल हेयर सक्सेसर जितने भी होंगे उनका भी इस पर कोई राइट नहीं होगा। ये हमें समझ में आई है बात। हमने इसका कंक्लूजन ये निकाला कि आज के बाद ये प्रॉपर्टी मिस्टर नमित गुप्ता से, जो कि डोनी है, कोई नहीं ले सकता, ये उनकी प्रॉपर्टी बन गई। यहां पर दोनों के साइन है, बिल्कुल वैलिड चीज है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने जब कंक्लूजन निकाला है तो उससे पहले सारी बात को समझा होगा कि आखिरकार ये पूरी की पूरी लैंग्वेज कहना क्या चाहती है। और उससे पहले हमने पहले से पढ़ा, बिना पढ़े तो हम समझ भी नहीं पाए। अब क्योंकि ये बातें सारी सीधी सीधी थी, समझ में आ गई भाई, ग्रामर समझ में आ गई भाई, एज इट इज समझ में आ गई, हमें कोई लॉजिक नहीं लगाना पड़ा। जैसे मोबाइल फोन और वॉकी टॉकी के पॉइंट पर लॉजिक लगाना पड़ा था, जैसे गोल्ड सिल्वर के साथ थोड़ा सा एटसेट्रा जब आ गया था तो लॉजिक लगाना पड़ा था, लेकिन एंड और वाले में कोई लॉजिक नहीं लगाया। कंप्लीटली व्हाइट, कंप्लीटली ब्लू, कंप्लीटली रेड कपड़े पहनो, इनमें से कोई एक। लैंग्वेज पढ़ी, ग्रामर समझी, ओके। उसी तरह से भांगड़ा करो, गिद्धा करो, घूमर करो, लावनी, या फिर और कौन सा हमारा गुजराती डांस, क्या नाम था, हाँ, तो कुछ भी करो भाई, उनमें से कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं। वो एंड की लैंग्वेज थी, ग्रामर थी, समझ गए। लेकिन मोबाइल वाले केस में, एटसेट्रा वाले केस में हमने थोड़ा लॉजिक भी चलाया। तो जहां वर्ड्स हमारा साथ छोड़ दे, जहां जो लिटरल मीनिंग है, जो वर्ड्स की लैंग्वेज है, वो सीधी सीधी दिमाग में ना बैठे, कुछ और उसके बियॉन्ड जाके सोचने की जरूरत पड़े, तो दोस्तों हमें वहां पर भी अपना दिमाग चलाना है। फिर चाहे वो कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई इंस्ट्रूमेंट हो, या कोई डीड हो, हमें पढ़ना ऐसे ही है, सीधा समझ में आए तो सीधा, नहीं तो फिर लॉजिक लगाएंगे। लीज डीड की भी कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों। एक और डीड का एग्जांपल दे देता हूं, आइए देखें। मैं ये प्रॉपर्टी 10 साल के लिए लीज पर जा रही है, मान लीजिए, तो लीज देने वाले का, लीज पर लेने वाले का सबका नाम, जो प्रॉपर्टी लीज पर दी जा रही है उसका नाम, किस डेट पर दी जा रही है, तो जो देने वाला है वो लेसर है, जिसको दी जा रही है प्रॉपर्टी वो लेसी है, और जिस प्रॉपर्टी की बात की जा रही है उसे शेड्यूल्ड प्रॉपर्टी कहा जा रहा है, क्योंकि उसकी डिटेल शेड्यूल में दी गई है। 10 साल के लिए प्रॉपर्टी दी जा रही है और रेंट बताया जा रहा है कि कितना होगा जी, ये सब बातें उसमें लिखी गई, अमाउंट बताए गए। तो मैं जो इस चीज को लेके आ रहा हूं कि आप शेड्यूल्ड प्रॉपर्टी लिख तो दिया, बट उसकी जो डिटेल्स है वो हमें कहां से मिलेंगी, वो उसके एंड में उस शेड्यूल से मिलेगी। इसी को समझने की जरूरत है दोस्तों। शेड्यूल्ड प्रॉपर्टी, शेड्यूल्ड प्रॉपर्टी बार बार कहा जा रहा है, लेकिन उसकी डिटेल कहां लिखी गई, एंड में। तो जब तक मैं उस शेड्यूल को पढ़ूंगा नहीं, तो क्या मैं उस शेड्यूल्ड प्रॉपर्टी जिसकी सारी की सारी कहानी चल रही है ये, क्या उसके बारे में जान पाऊंगा, क्या उस पर आने वाले जो लॉ के प्रोविजंस होंगे, उनका जो एप्लीकेशन होगा, क्या मैं उन्हें समझा पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब इसकी रीडिंग भी जरूरी है पहले। तो भाई 1500 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, उसका नंबर दे दिया हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट 50 मीटर, नॉर्थ टू साउथ 30 मीटर, बाउंडेड ऑन ईस्ट बाय रोड, वेस्ट बाय, पूरा रोड बताया जा रहा है, यानी उसकी पूरी की पूरी सिचुएशन बताई जा रही है कि ये ऐसा प्लॉट है, ऐसी जगह, ये सब कुछ है। तो मेरे भाई साथ में उसका दिन, मंथ, ईयर, सब चीजें जो है, सब चीजें बताई जा रही है। अगेन वही पॉइंट, रीड, अंडरस्टैंड, देन गिव कंक्लूजन। तो दोस्तों आपने डॉक्यूमेंट में, इंस्ट्रूमेंट में, डीड्स में, सब जगह ये तीन चीज देखी। अब जरा मुझे बता दो, तो जो लॉ बनते हैं, स्टैट्यूट बन जाते हैं,
भैया वहां क्या होगा, वहां पर भी तो ये सब बातें सीखनी पड़ेंगी। जब इस डीड के अंदर, एक डॉक्यूमेंट के अंदर, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमें पढ़कर समझने की जरूरत पड़ रही है, फिर हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो जो इतने बड़े बड़े एक्ट आ गए उसके अंदर तो न जाने कितनी बातें होंगी जो हमें सीधे सीधे समझ आएंगी, लिटरली समझ आ जाएंगी, एज इट इज समझ आ जाएंगी, ग्रामर है समझ आ जाएगी, और वर्ड्स को देखते ही, व्हाइल वी लुक एट दोज वर्ड्स वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बट ऐसी भी सिचुएशन आएगी वेयर वी विल हैव टू लुक बियॉन्ड दोज वर्ड्स, वी विल हैव टू अप्लाई लॉजिक रादर दैन लुकिंग एट द ग्रामर इटसेल्फ। तो इसका मतलब जितने भी स्टैट्यूट बनते हैं, स्टैट्यूट क्या होता है, लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, क्या होता है हमारे यहां पार्लियामेंट जो है वो लॉ बनाती है, पार्लियामेंट जानते हैं बात, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलएज चुने जाते हैं कि नहीं चुने जाते, ये लेजिस्लेशंस बनाते हैं, जो लेजिस्लेशंस पास होते हैं वो जनता की भलाई के लिए होते हैं। इन एमएलएज को चुनता कौन है, जनता, और जनता की भलाई के लिए वो लेजिस्लेशन बनाती है, ठीक है जी। अप्लाई भी किस पर हुए, जनरल पब्लिक पर। तो दोस्तों पार्लियामेंट जब ये लॉ बनाती है तो जो गवर्नमेंट है प्लस उसकी और देश में जो एजेंसीज है, गवर्नमेंट की एजेंसीज नहीं, अदर एजेंसीज, वो इन सभी एक्ट्स को अप्लाई करवाती है, इन लॉज को अप्लाई करवाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सेबी की, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका काम है लॉज को अप्लाई करवाना, सिक्योरिटीज से जुड़े लॉज को अप्लाई करवाना, बैंक से जुड़े हुए सारे के सारे लॉज को अप्लाई करवाने की सारी जिम्मेदारी आरबीआई की होती है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो सही तरीके से बैंकिंग रेगुलेशंस को पूरा करें। और कुछ जो एक्ट यहां बने, लेजिस्लेशन बने, वो जनता पर भी अप्लाई होते हैं, आम आदमी पर। तो वो जो पब्लिक है दोस्तों, वहां से भी लोग आएंगे, तो जो लेजिस्लेशन बने जनता पर अप्लाई हुए, जो इन्होंने बनाया यहां एक्सेप्ट हो गया, बताइए क्या कोई लड़ाई हुई, कोई झगड़ा हुआ, बिल्कुल भी नहीं। एक ने कही और दूसरे ने मानी, समझो दोनों हैं ज्ञानी। लेकिन मुसीबत तो तब आएगी जब ये कहे कि भैया उत्तर है ये, दूसरा कहे नहीं ये तो दक्षिण है, हो गई लड़ाई। तो सुलझाए कौन, तो सुलझाने के लिए हमारे पास एक और लेग तैयार है, और वो है दोस्तों कोर्ट्स। तो कोर्ट्स का काम क्या है, इनका झगड़ा सुलझाना। पब्लिक की बात है कुछ और, पब्लिक कहते जी ऐसा होगा, लॉ कहते नहीं जी नहीं ऐसा होगा, पब्लिक कहते जी आप ही ने तो लिखा है इसका मतलब तो ये होना चाहिए, लॉ कहते नहीं 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 हमारा मतलब ये नहीं था, इससे तो हमारा मतलब ये था। लैंग्वेज में हो सकता है क्लैरिटी ना हो, तो भैया इस झगड़े को सुलझाएंगे कौन, हमारे जजेस, हमारे जजेस मैजिस्ट्रेट्स, वो फैसला करेंगे कि भैया आखिरकार कानून जब लिखा गया तो उसकी इंटेंशन क्या थी, उसका मकसद क्या था। कानून कोर्ट नहीं बना रहा, लेकिन लिखे हुए कानून को वो समझा रहा है, उसको अप्लाई करवाने के लिए एक क्लैरिटी लेकर आ रहा है कि हां ये सही है और ये गलत। कानून तो पार्लियामेंट में बने दोस्तों, इन सारी की सारी चीजों में जरा सोचिए कितने एक्ट्स आ सकते हैं। आप नाम लीजिए, हर उस एक्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होगी जो कि पूरी तरह से सही नहीं होगी, कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी, पॉसिबिलिटी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए, उस पूरे के पूरे लॉ को सही तरीके से समझाने के लिए हम कहते हैं कि कोर्ट जो है
उस लॉ को इंटरप्रेट करेगा। क्या कहा मैंने? कोर्ट उस लॉ को इंटरप्रेट करेगा, यानी लॉ को, स्टैट्यूट को इंटरप्रेट करने का काम, इंटरप्रिटेशन बोलते हैं ना, उसको इंटरप्रेट करने का काम किसका है? कोर्ट्स का है। कि आखिरकार लॉ में ये लिखा गया है उसका मीनिंग क्या है, और अगर उसकी लैंग्वेज में कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ एम्बिग्विटी है, तो उसे क्लियर करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? कोर्ट की है। क्योंकि भैया यही तो समझदार लोग हैं जिन्हें उस आसन पर बिठाया गया है जो कि समझाएंगे कि ये सही है और ये गलत है। तो मेरे भाई, इन सारे के सारे स्टैट्यूट्स की इंटरप्रिटेशन ही जो है वो हमें करनी है, और हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो मेरे भाई, हम जितने लॉज हैं उनको पढ़ना सिखा रहे हैं यहां पर, एक एक चीज पर हजारों करोड़ रुपए डिपेंडेंट हो सकते हैं। न जाने ऐसे कितने केसेस हैं जहां पर सिर्फ लीगल इंटरप्रिटेशन पर ही हजारों करोड़ दांव पर लग गए। जी हां, न जाने ऐसे कितने केसेस हैं। जो सबसे लेटेस्ट केस बहुत फेमस हुआ वो था वोडाफोन का कैपिटल गेन टैक्स केस। लगभग 11,000 करोड़ रुपया टैक्स मांगा गया वोडाफोन से। इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, कुछ अच्छी तरह से बात करेंगे कि आखिरकार क्यों ये 11,000 करोड़ रुपए की डिमांड हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डाली कि जी इतना इनकम टैक्स दो। उन्होंने कहा, भैया ये तो इनकम टैक्स बनता ही नहीं हम पर, क्या बात कर रहे हो। डिपार्टमेंट कहते हैं, नहीं जी नहीं, टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, ये है इसकी रीजनिंग, ये देखो ये लिखा है, इसे ऐसे पढ़ो। वोडाफोन के लॉयर्स ने बोला, नहीं भैया नहीं, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है, इसे ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना चाहिए, इसका मीनिंग तो ये है। तो जब एक ही चीज पर दो दो सोच निकल के आ गई, दो दो बातें निकल के आ गई, तो भैया सीधा ये केस जाएगा किसके पास? कोर्ट्स के पास। सुप्रीम कोर्ट तक केस गया दोस्तों, पहले हाई कोर्ट्स में गया, फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के पास गया। सुप्रीम कोर्ट ने एट द एंड ये डिसाइड किया कि आखिरकार सही कौन था। और मैं आपको बता दूं कि वोडाफोन ये केस जीत गया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये केस हार गया। इंटरप्रिटेशन, स्टैट्यूट की इंटरप्रिटेशन का खेल है दोस्तों। तो आज हमने डॉक्यूमेंट की बात सीखी, हमने इंस्ट्रूमेंट की बात सीखी, हमने डीड्स की बात सीखी, और ये चीज सीखी कि जिस तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट या डीड को पढ़ने के लिए हमें पहले रीड, अंडरस्टैंड एंड देन कंक्लूजन निकालना है, उसी तरह से सोचो किसी एक्ट को पढ़ना हो तो इस चीज को करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा दोस्तों। तो इंटरप्रिटेशन की वैल्यू सोचिए कितनी बड़ी है। मैं या तो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन कर दूंगा, जो लिटरली लिखा गया उसी को फॉलो कर लूंगा, कहूंगा ये तो लेटर ऑफ लॉ है, लॉ में लिख दिया गया तो हो गई पत्थर की लकीर, जैसा वर्बल एक्सप्रेशन दिया है मैं तो बस उसी को पढ़ूंगा, और जो वर्ड्स लिखे गए हैं लेजिस्लेचर में उसका सही मीनिंग आपको बता रहा हूं, यही तो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन है। कोर्ट्स यही बात कहेंगे, जजेस ये बात कहेंगे, और देखो जरा कितनी पॉपुलर डिक्शनरीज हैं, उनके मीनिंग है, या पुराने समय से लॉ ये बात चली आ रही है पॉपुलरली, इसका मतलब यही होता है, या तो डिक्शनरी मीनिंग देख लो, या लगातार ये बात चली आ रही है पॉपुलरली, लोग इसी को समझते हैं, यही तो चीज है। ग्रामर बता रही है, भैया इसका मतलब तो ये है, प्लेन सेंस में इसका मतलब ये है, पढ़ लीजिए, और कोर्ट ज्यादातर इसी चीज को यूज करते हैं। लेकिन एक समय आता है जब उन शब्दों से आगे जाकर सोचना पड़े, उसे कहा जाता है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, या हम कहते हैं फंक्शनल इंटरप्रिटेशन। इसमें वर्ड के ऊपर नहीं, उसके लेटर पर नहीं, उसकी आत्मा को देखा जाता है कि भैया जब यह लॉ लिखा गया था उस समय क्या सोच रही होगी, कैसे सर्कमस्टेंसेज रहे होंगे, आखिरकार वो लॉ कहना क्या चाहता है, वो किस तरीके की सिचुएशन में अप्लाई करवाना चाहता है, आप जरा उसको देखिए।
सो वी नीड टू लुक बियॉन्ड द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ. हमें लॉ की ट्रू इंटेंशन देखनी है, उसका ट्रू मीनिंग नहीं देखना, इंटेंशन क्या है उसकी आखिरकार. जैसे मोबाइल फोन का एग्जाम्पल बताया था कि उसमें इंटेंशन थी कम्युनिकेशन को रोकना. वो वॉकी टॉकी ले आया तो भैया खाली वर्ड्स पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ और लॉजिक के हिसाब से जरा ट्रू इंटेंशन को बीच में लाओ. तो जरा चेक करो कि किस सर्कमस्टेंसेस में वो लॉ लिखा गया. हम उसकी इनहेरेंट सेंस को देखना चाह रहे हैं और रेयरली कोर्ट्स यूज दिस, बिकॉज ज्यादातर जो भी हमारे एक्ट्स हैं लिखे गए हैं क्लियरली. लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसमें कोई ना कोई कभी ना 100% करेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो रह जाती है दोस्तों. और हर बार अगली बार उसको रिफ्रेश करके हम कोई ना कोई उसमें बेटरमेंट लेके आते हैं. यही इंटरप्रिटेशन का दोस्तों काम भी है, बेटरमेंट लाना. कोई उसमें कमी रह गई तो उसको सप्रेस करना और बेटरमेंट के लिए सही प्रोविजन को आगे लेकर आना. तो दोस्तों ये था हमारा इंट्रोडक्शन. हम आने वाले टाइम में अब इस चैप्टर को और आगे लेके चलेंगे. आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में. तब तक के लिए बाय.